जैर उसकी बेटी उठ गई सी जिनू लोकी मुर्दा कहिंदे सी जैर उसकी बेटी उठ गई सी जिनू लोकी मुर्दा कहिंदे सी ओ कोड़ी चंगा हो गया सी लोकी दूर जी दे तो नसदे सी ओ कोड़ी चंगा हो गया सी लोकी दूर जी दे तो नसदे सी कोई दुख यसु तो वड्डा नहीं कोई दुख यसु तो वड्डा नहीं ओदे कोल चाबी हर सुख दी ए तू रखी यकीन अजूब वांगू विश्वास ते गल आ मुकदी ए तू रखी यकीन अजूब वांगू विश्वास ते गल आ मुकदी ए ना होया करे उदास दिला रखी असु ते विश्वास दिला जिंदा
आज भी जिंदा है अब्राहम दा खुदा, आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा। सदा नाल नाल चलदा, सदा नाल नाल चलदा, चल दे पानी दो हिस्सिया विच कर देंदा है, चल दे पानी दो हिस्सिया विच कर देंदा है। सेवक राही जदों गोदड़ी तर देंदा है, सेवक राही जदों गोदड़ी तर देंदा है, ओ हर हाल च पूरा करदा, हर हाल च पूरा करदा, ओ अपना हर वादा आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, आज भी जिंदा है अब्राहम दा खुदा। सदा नाल नाल चलदा, सदा नाल नाल चलदा, दर्द हुंदा नी जुदा, आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, आज भी जिंदा है अब्राहम दा खुदा, आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, आज भी जिंदा है अब्राहम दा खुदा। हालेलुया, सब नु जय हो दीदी मेरे को। जी जो सिस्टर बहुत अच्छा गाया, खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पादरी तरसीम साहब से कि वो आज के कलाम के लिए खुदावंद से दुआ मांगे। आज चूंकि हमारा ये पहला ट्राई का दिन है जूम पे, तो हम वक्त से फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर हम दोबारा वापस आएंगे। लेकिन मैं कोशिश होगी कि ज्यादा वक्त जो है हम कलाम पर सर्व कर सकें, खुदाम के पाक कलाम को सीख सकें, और जो भी खुदावन को मंजूर होगा वो जरूर होगा और अच्छा होगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन इस वक्त से फायदा उठाएं। सारी तरसीम साहब प्लीज दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। उसने फरमाया जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदम्पा खुदा आपने ये कीमती लम्हा बख्शा जिसमें खुदम्पा खुदा हम आपके पास आएँ और आपसे बहुत सी बातें सीख सकें। खुदम्पा खुदा हम आपके पास पाक साफ होकर नहीं बल्कि अपने गंदे और नापाक जिस्मों के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। अय खुदम्पा खुदा हम अपने गुनाहों का बोझ उठाते उठाते थक गए, इसलिए हम आज आपके पास हैं क्योंकि आपने फरमाया कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अय खुदम्पा खुदा हम ये चाहते हैं कि आज जो आपका पाक कलाम हो खुदम्पा खुदा वो मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी फैमिली की ज़िंदगी के लिए, और खुदम्पा खुदा उन सब के लिए जो आज हमारे साथ शामिल हैं, आपका पाक रूह अपने आपके बंदा को गाइड करे। खुदम्पा खुदा आपके बंदा के ऊपर, आपके बंदा के जहनों, ख्याल, सोचों, इरादों के ऊपर यीशु के लहू को मांग लेता हूँ, पाक रूह की आग को मांग लेता हूँ, क्योंकि खुदम्पा खुदा हम ये सीखना चाहते हैं जो आज आप सिखाना चाहते हैं। अय खुदम्पा खुदा आसमानी बाप आप रहम करें, आप फजल करें और आप ही हमें सिखाएं आज हमारी जो ज़रूरत है, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे कि पाक रूह जिसे रूहुल कुद्दस कहते हैं, उसकी मसीही ईमान में क्या अहमियत है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ उसके बारे में बयान करूं, आप सबको ईद पेंटिकोस्त मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो। जी रूह कुद्दस
मोसेस का नजूल भी आज के दिन हुआ, और आज हम देखेंगे कि पाक रूह मसीही ईमान में क्या अहमियत रखता है और ये हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है और इसका नजूल कैसे हुआ। ये सारी चीजों को हम थोड़े से वक्त में कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ मजीद कहूँ, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो खुदाम के जिंदा कलाम में मरकूम है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ये पहला जिक्र है खुदावन का पाक कलाम, उसकी इब्तदा जो है वो पाक रूह से होती है। सबसे पहले खुदा था और उसके बाद उसका बेटा था और उसकी पाक रूह थी जो कि पानी पर जुम्बश करती थी। इस आयत में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि तसलीस हमें मुतहर्रक नजर आती है कि खुदा की वजह से हर चीज पैदा हुई, खुदा से ही रूह है और खुदा से ही कलमा है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहरा के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। ये वो कलमा है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह और अपना नजात दहिंदा मानते हैं। इन दो आयात में तसलीस हमें मिलती है और इब्तदाई जो है कलाम की, जिसे हम कलाम पाक या बाइबल कहते हैं, उसकी इब्तदाई तसलीस से होती है। और पाक रूह जो हमारे ईमान का बुनियादी जुज है, इन्हें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह, ये तीनों जो हैं तसलीस का हिस्सा है और ये अपने इख्तियार में बराबर हैं और ये हर काम में जो खुदा की तरफ से होता है उसमें ये तीनों शरीक होते हैं और उनकी एक ही मर्जी होती है। अब इसका दूसरा जो पाक रूह का वजूद है वो हम मत्ती रसूल की अंजील में देखते हैं। आप सबको पता है, ये लूका की अंजील है जिसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो मरियम कंवारी थी, वो पाक रूह की बदौलत आमला हुई और यही पाक रूह जो पानियों पर जुम्बश करता था ये खुदा की रूह है जिसे रूहुल कुद्दस कहा जाता है। और यही हम यहाँ पे जो है देखते हैं कि वो अपने पूरे फजल के साथ मरियम पर साया फगन है और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजुर होगा और खुदाए ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो चूंकि ये हम आज पाक रूह के हवाले से बात कर रहे हैं और इसका जो वजूद है उसको साबित करने के लिए मैंने ये दो हवाले पढ़े हैं। और तीसरा हवाला जो है वो मैं यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हम सीख सकें खुदावन के पाक कलाम से कि पाक रूह की मसीहत में और हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बल्ला है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
ये वो ही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गुवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गुवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो ही रूहुल कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। नाचे मैंने देखा और गुवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो कबूतर है उसको मुख्तलिफ पिक्चर्स में, फोटोज में दिखाया जाता है कि वो आसमान से खुदा यीशु मसीह पर उतरता है, और एक निशानी थी कि खुदा का पाक रूह जो पानियों पर जुम्बश करता था, बनाए आलम से मौजूद था, लेकिन ये सारी दुनिया कलमे की बदौलत होजा, जिसका दूसरा नाम है बी एट, इसकी वजह से वजूद में आई। और इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के पास था और कलाम ही खुदा था, और इसी कलमा ने जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान वो खैमजन हुआ। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि खुदा और पाकरू और खुदा का बेटा खुदा यसम से, इन तीनों से तसलीस बनती है, ये इख्तियार में मसावी है, एक का जिस्म है और दो का जिस्म नहीं। ये बात सीखने के लिए जरूरी है, तवज्जो दें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मुजस्सम हुआ, खुदा का कोई वजूद नहीं है सिवाय इसके कि वो एक रूह है, वो जिस्म नहीं रखता, रूहुल कुद्दस का भी कोई जिस्म नहीं है, लेकिन वो अपना वजूद और अपना अख्तियार रखते हैं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने ही पाक रूह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। अगर हम इसका मुताला करें तो यूहन्ना की अंजील में इसका जिक्र मिलता है 16 बाब और उसकी 13 आयत में मरकूम है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। तो मतलब ये है कि पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है कि हम सच तक पहुंच सकें। अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है, इसने आसमान और जमीन को बनाया, वो आसमान पर है और वो हमारा आसमानी बाप है, वो जिंदा खुदा है और जिसकी बदौलत ये सारी दुनिया तख्लीक हुई, जिसके वसीले से सारी दुनिया तख्लीक हुई, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारा नजात दहिंदा है, और रूह पाक जो हमारी तरबियत करता है, जो हमारी कमजोरी में हमारे साथ रहता है, जो तह की बातें हमें सिखाता है, जो खुदा की मर्जी को हम पर आश्कार करता है, वो पाक रूह है। और पाक रूह की मौजूदगी एक मसीही में होना अज हद जरूरी है, और इसी पाक रूह की बदौलत ही कलीसिया का जन्म हुआ। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।
ताकि हम मालूम कर सकें कि किस तरह पाक रूह ने कलीसिया को बनाने में, उसको एक शक्ल देने में अपना किरदार अदा किया। खुदावन के जिंदा कलाम में मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोलों के छी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरे, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलम में रहते थे, और जब जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये वो हवाला है जिसमें आकरू का नजूल हुआ। खुदावन यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद, खुदावन यीशु मसीह 40 दिन तक कब्र और मौत पर फतह पाने के बाद वो मुख्तलिफ जगह पर और मुख्तलिफ मौकों पर अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, और 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। उसके 10 दिन के बाद उनके शागिर्द जो थे वो बाला खाना में बैठे हुए दुआ कर रहे थे, और उस दिन पाक रूह का नजूल हुआ। अब बहुत सारे लोगों के लिए बात अजीब होगी कि ईद पेंतिकोस्त क्या है, ये कहां से आई। ईद पेंतिकोस्त दरअसल यहूदियों का त्योहार है जो कि वो फसल की कटाई के तौर पर मनाते थे। फसल की कटाई करते थे तो उसके जो पहले पूले होते थे उनको लेकर तो वो हैकल में कुर्बानी देते थे, उनको हैकल में खुदा के हजूर पेश करते थे, और ये साल में 2 मरतबा होता था, और ये यरूशलम में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल समझा जाता था, क्योंकि मुल्क के कोने कोने से लोग जो है अपने फलों को लेकर आते थे, पहले फलों को लेकर आते थे, और वो खुदावन के हजूर पेश करते थे। खुदावन यीशु मसीह की मनासबत जो है इस फर्स्ट फ्रूट से या पहले फल से इस तरह है कि खुदावन मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा है, और हम समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जिंदा करके तो हमें भी उसके साथ जिंदा कर दिया है, और वो हमारी तरफ से एक कुर्बानी है पहले फल की तरह। इस तरह मसीही लोग इसको अपने अतबार से मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार दरअसल यहूदियों की तहजीब में पहले फलों के तौर पर हैकल में कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था। जो पहले फूले होते थे, जो पहला फल होता था, वो खुदावन के हजूर पेश किया जाता था। तो मेरे अजीजों, आज जो ईद पेंतिकोस्त है, इसमें हमारे लिए सीखने के लिए ये बात है कि पाक रूह के साथ हम किस तरह जिंदगी बसर कर सकते हैं, और पाक किस तरह हमारी मदद करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मददगार वो इस तरह है कि पहली बात तो ये है कि वो हमें सच्चाई की तरफ मायल करता है, वो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। जब हम कमजोर होते हैं, किसी चीज को समझ नहीं पाते,
तो वो हमें हिकमत और दानिश देता है, हमें ताकत अता करता है कि हम मुश्किल में परेशानी में खुदावन पर भरोसा रखना ना छोड़े, बल्कि वो गहरी बातें, वो मुकाशफा जो हमारी समझ से बालातर होता है, वो भी हम पर आश्कार करता है। तो खुदावन का पाक रूप हमारे अंदर बसता है अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, ईमान के साथ रहना सीखते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को रगबतों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, तो पाक रूप जो है हमारी जिंदगी में काम करता है, वो हमें हर तरह के इल्म से नवाजता है, वो हमें इस दुनिया में कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए ताकत और हिम्मत अता करता है। अब मैं आपके सामने 10 ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जिसमें खुदावन पाक रूह के हवाले से हमारी मदद करता है, और ये 10 चीजें जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये हर एक शख्स के लिए बहुत जरूरी हैं, और पाक रूह की मदद और उसकी हफाजत के बगैर हम किसी काम के नहीं रहते। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये मददगार है, क्यों मददगार है कि खुदावन को इस बात का इल्म है कि बाहसियत इंसान हम कमजोर हैं, गुनाह हमारी गुट्टी में है, हम बड़ी आसानी से रास्ते से भिदक जाते हैं, गुनाह हमें अपनी लपेट में ले लेता है, इसलिए पाक रूह जो है हमारी मदद करता है। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 26 आयत, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मैं फिर उसका अयादा करता हूं ताकि वो बात ज़हन नशीन हो जाए। खुदावन्द के पाक कलाम में मरकूम है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इसका मतलब ये है कि खुदावन ने जो पाक रूह अपना भेजा है वो हमारे लिए एक मददगार है, जो सारी बातें जो खुदा से मुतालिक हैं, जो खुदा हमारी जिंदगी में करना चाहता है वो हमें बताएगा, हमारी गाइडेंस करेगा, और वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान अपने शागिर्दों से की, लोगों से की, लोगों को मौजज़े दिखाए, वो सारी चीजें पाक रूह या रूहुल कुद्दस हमें याद करवाएगा, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा रूहुल कुद्दस हमें ये बताता है कि हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद है। The function of the Holy Spirit is also to convict us against the sin. वो हमें एहसास देता है कि हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद है, और जब वो एहसास दिलाता है तो हमारी नौबत तौबा तक आती है, यानी वो हमें तौबा तक पहुंचाने में हमारा मददगार साबित होता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में गुनाह को उजागर करता है, हमारे एहसास को बढ़ाता है कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी है, हमें गुनाह की गलाजत से जिंदगी को बचाना है। जब वो हमारे जहन में ये बात डालता है, हमारे दिल में ये बात डालता है, तो हम पछतावे की तरफ बढ़ते हैं,
और जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, उसको मान लेते हैं, तो खुदावंद हमें बख्श देता है और वो हमें अपनी कुर्बत में ले लेता है और हम उसकी बरकत से मालामाल होते हैं। तीसरी बात है कि जो ईमानदार हैं, जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, पाक रूह उनके दिलों में सुकूनत इख्तियार करता है। पहला करिन्थियों उसका तीसरा बाब और उसकी 16 आयत में मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं और जिनसे खुदा राजी होता है, उनके दिलों में पाक रूह जो है वो सुकूनत अख्तियार करता है और उनके दिलों में हमेशा बसा रहता है और उसका पाक रूह हमें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। क्योंकि हमने देखा कि तस्लीस की तशरीह में ये तीनों खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह मसावी हैं और एक सा इख्तियार रखते हैं। इसके बाद चौथी बात, जो पाक रूह हमारी जिस तरह मदद करता है, वो हमें हिकमत, दानिश और शऊर अता फरमाता है। वो बातें जो मुस्तकबिल में होने वाली होती हैं, वो हम पर जाहर करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि खुदावंद का पाक कलाम हम रूटीन के मुताबिक पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक पाक रूह की मर्जी नहीं होती, हम पर नया मुकाशफा जाहर नहीं होता। और जब खुदावंद हमें कुछ सिखाना चाहता है तो पाक रूह हमारी तवज्जो उस नुक्ते की तरफ मबजूल करवा देता है जो हमारी नजर से छुपा होता है, पिनहा होता है। तो पाक रूह इस तरह हमारी मदद करता है कि वो ऐसे राज, ऐसे भेद जो इंसानी अकल समझ नहीं सकती, उसका ख्याल नहीं कर सकती, उनका इंकशाफ हम पर करता है। इसके बाद पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि रूह, जिसे हम पाक रूह या रूहुल कुदस कहते हैं, वो हमारे लिए खुदा की गहरी बातें जो इंसानी अकल से बालातर हैं, हम उसको नहीं समझ सकते, वो हम पर जाहिर करता है और वो हमारे लिए आसान कर देता है कि हम उसको समझ सके। खुदावंद के बाकला में लिखा है, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा को समझना इंसान के लिए पहली बात है बहुत ही मुश्किल है, और फिर उसकी गहरी बातों को और उसकी तह की बातों को समझना, मैं समझता हूं कि दैट इज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर पर्सन। और पाक रूह जानता है उन बातों को, वो हम पर हमारी जुबान के मुताबिक, हमारी समझ के मुताबिक हम पर मुनकशिफ करता है, उनका इंकशाफ करता है ताकि हम उनको समझ सके। रूहुल कुदस सच्चाई के बारे में हमें मुतला करता है और मुस्तकबिल के बारे में कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, क्या हमारी जिंदगी में होगा, तो वो इस तरह हमारी मदद करता है ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम के जरिए जिंदा खुदा से मुंसलिक रहें और उसकी रफाकत में कायम रहें। रूहुल कुदस हमें मुख्तलिफ रूहानी तोहफे देता है जिसको हम तोड़े कहते हैं। तोड़े लफ्ज दरअसल ऐसे ही है कि जैसे हम रुपया इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में इसे टैलेंट कहा जाता है, और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं।
जो रूहुल कुदस की वजह से हमें मिलते हैं, अगर हम पहला ग्रंथियों उसका 12 बाब और उसकी पहली चंद आयात पढ़ें तो उसमें लिखा है कि खुदावन मुख्तलिफ रूहानी तोहफे हमें देता है ताकि हम उनको इस्तेमाल करते हुए चर्च की कलीसिया की तरक्की के लिए काम कर सके। यहाँ फर्क है, अपनी जात के लिए नहीं, खुदावंद जो कुछ हमें देता है वो सिर्फ हमारी जात के लिए नहीं होता बल्कि वो चर्च की कलीसिया की तरक्की के लिए होता है। और कलीसिया का दूसरा नाम खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, वो अपने बदन की तामीर के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट्स थोड़े देता है, किसी को हिकमत का कलाम देता है, किसी को खुदावंद जो है वो ताबीर देता है, ख्वाबों की ताबीर करने की ताकत देता है, किसी को प्रोफेसी यानी पेशन गोई करने का फजल बख्शता है, किसी को उस्ताद बनाता है और किसी को वो अच्छा आर्टिस्ट बनाता है, किसी को अच्छी आवाज देता है कि वो खुदावन के गीतों के जरिए उसकी परस्तिश कर सके। तो ये सारे खुदावन के तोड़े हैं जिनको रूहानी गिफ्ट्स कहा जाता है या तोड़े कहा जाता है, और ये सारे पाक रूह की वजह से ही हमें मिलते हैं। इसके बाद सातवीं चीज वो है कि पाक रूह हमारी मदद करता है कि हम महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से हम मुफ्त रास्त पास ठहराए गए। शैतान हमें हमेशा गुनाहगार मुजरम साबित करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन खुदावंद का पाक रूह जब हम तौबा करते हैं, गुनाहों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों का अकरार करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम करते हैं, तो पाक रूह जो है ये हमें यकीन दिलाता है बल्कि वो रास्तबाजी की मोर हम पर सख्त कर देता है। इसके अलावा आठवीं जो बात है पाक रूह की वो ये है कि वो हमारी शफात करता है, वो बाप के सामने हमारी दरखास्तों को मुनाजातों को पेश करता है ताकि हम के फजल के नीचे रह सके। नौवीं चीज जो अहम है कि पाक रूह हमें नया मखलूक बनने में मदद देता है। नया मखलूक से मतलब ये है कि जब हम रूह से पैदा होते हैं, और रूह से पैदा होने का मतलब ये है कि हम इस जिस्म के में नहीं रहते या इस जिस्म की खार नहीं रहते, जिस्मानी ख्वाहिशों को रगबतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते बल्कि रूह की रहनुमाई में हम जिंदगी बसर करते हैं, तो वो नया मखलूक बनना है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इख्तसार से ये कहना चाहता हूं कि ईमानदारों की जिंदगी में ये नए फल पैदा करता है। गलतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़कर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तामल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ये 9 बातें हैं, 9 पल हैं जो जिस शख्स में पाक रूह काम करता है उनमें इन चीजों का होना अज बस जरूरी है। खुदावन आपको और मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए, हम अपनी जिंदगी को इस काबिल बना सकें कि पाक रूह हमारे दिलों में सुकूनत अख्तियार करे, बाप के तमाम
असरारूज जो हमारी समझ से बालातर हैं उनको हम पर वाजे कर सके और हम अपनी जिंदगी से नए फल और पहले फल खुदावन के हजूर अपने अमलों से पेश कर सके। इसके साथ साथ ईद पेंटिकोस्त आप सबको एक दफा फिर मुबारक हो। आमीन आमीन जी आमीन आमीन आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सिद्रा वकाल से कि वो हमारे लिए एक गीत गाए और इसके बाद प्रोफेसर सुनील साहब कलाम के लिए और तमाम अजीजों के लिए उनकी शिरकत के लिए खुदावन से दुआ मांगेंगे और इस तरह फिर कलमात बरकात से हम एक दूसरे से विदा होंगे। मुसीसु में आप सबकी सलामती हो और हम गीत गाएंगे। जिस तरह के पास्टर जी ने बहुत ही खूबसूरत कुरान के कलाम को हम तक शेयर किया है पाकुर के हवाले से, तो उसी ताल्लुक से मैं गीत पेश करूंगी। पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकुर भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, उसे मामूर कर, भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है, मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाकुर की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकुर, मेरा इनाम पाकुरु, तेज आसमान खोल कर, पाकुरु की आग के शोले
भेज आसमान खोल कर, आमीन। सब ये पास्टर अफजाल हैं और शलोक टीवी के नुमाइंदा हैं। वेलकम करते हैं पास्टर साहब आपको, पास्टर अफजाल साहब आपको वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर साहब आपका माइक बंद है, डॉक्टर साहब आपका माइक बंद है। हम बाजी अफजाल साहब को खुदा के नाम में मुबारक कहते हैं और वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, और हमारी ख्वाहिश है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। मैं चाहूंगा कि आप तमाम बीमारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनकी मुख्तलिफ जरूरतों को खुदावन की पाक में इसके सामने रखा जाए, आप उनके लिए दुआ करें। और इसके बाद फिर प्रोफेसर सलीम सुनील साहब जो है वो हमारे लिए दुआ करेंगे, इस तरह हम इस आबादत का इख्तिताम करेंगे। पादरी अफजाल साहब जी, बात जब आवाज आ रही है शायद पास्टर अफजल साहब को आवाज नहीं जा रही। हाँ तो चले, आप जो है अपना बीमारों के लिए और उन तमाम अजीजों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ जरूरतों के लिए दरख्वास्त की है कि उनको खुदा के हजूर रखा जाए, दुआ करें, क्योंकि बेशक हम उन जरूरतों से वाकिफ नहीं, लेकिन ये जानते हैं खुदावन जानता है उनकी जरूरतों के बारे में, उनके हालात के बारे में और उनकी तमाम सूरत हाल के बारे में उसको मुकम्मल इल्म है। तो वो लोग जो मुख्तलिफ औकात में दरख्वास्त करते हैं कि उनके नामों को याद किया जाए, आप उनको खुदावन के हजूर याद करें, उनकी जरूरतों को, एहतियाजों को, बीमारियों को, परेशानियों को उसके हजूर रखें। आइए हम पादरी तरसीम साहब के साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बंदा के ज़रिए से हमें मुअस्सर कलाम फ्राहम किया जो हमारी रूह के लिए नहायत ही ज़रूरी था। आए खुदावंद आसमानी बाप, आपसे इल्तजा करते हैं उन सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी अपनी दुआया दरख्वास्तें रखी हैं। आए खुदम पा खुदा, वो दरख्वास्तें हमारे सामने नहीं बल्कि आपके सामने रखी गई इस ईमान से कि आप उनके लिए बड़े बड़े काम करते हैं। आए खुदामंद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सुनते और बर वक्त जवाब देते हैं। फजल बख्शें कि हम उस वक्त का ज़रूर इंतज़ार करें जो वक्त आपने हमारे लिए ठहराया है, हमारी कामयाबी के लिए ठहराया है, या हमारी उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिनके लिए हम दरख्वास्त करते हैं। सो खुदम पा खुदा, उन सब बहन भाइयों के ऊपर आपके बेटे यसु के लहू को मांगता हो और उन सब के घरों के ऊपर आपका आसमान खुला रहे, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हों, और उन सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस वक्त बीमारी की हालत में हैं। खुदम पा खुदा, मसीह यसु के नाम के वसीला से उनकी तमाम बीमारी की स्पिरिटें जो हैं वो जाती रहें और उनको तंदरुस्ती फ्राहम हो।
खुदावंद यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम से आमीन। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोफेसर सुनील साहब को कि वो आज के कलाम के लिए, इन तमाम अजीजों के लिए जिन्होंने हमें जानन किया है, उनको उनके खानदानों को नाम बनाम याद किया जाए ताकि खुदावंद उनकी मदद करे, आइंदा हफ्ते तक उनकी हफाजत करे हर परेशानी से, मुसीबत से, और हमें दोबारा फजल अता करे कि हम एक दूसरे को दोबारा मिल सके, खुदावंद के पाक कलाम से फैज याब हो सके और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार सके। प्रोफेसर सुनील जॉर्ज। मसीह के अजीम और बबरकत नाम है, आप सबको सलाम। पहले तो तमाम जितने भी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पास बैठा बेटी और बेटे ने दोनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बेटी ने 800 में से 800 मार्क्स अचीव किए हैं और बेटे ने 798 मार्क्स अचीव किए हैं। तो आपके साथ शेयर करना चाहता था, डॉक्टर साहब के साथ तो शेयर किया था। बहुत बहुत बच्चों को मजीद बरकत दे और आपको फजल दे क्या उनकी तरबियत पाक कलाम के मुताबिक कर सके और वो मसीह कौम के लिए रोशन सितारा बने। आमीन आमीन आमीन। चलिए सब अपने सर को झुकाते हैं। क्रूस क्रूस रब अल्फाज आसमान जमीन के मालिक, आसमान तेरा तख्त जमीन तेरे पांव के चौकर, हम तेरे हाथ की करा करी हैं। ऐ जिंदा जलाल खुदा, तुझे था तुझे है तुझे आने वाला है। ऐ बैरोबर के खालिक और मालिक, दी ग्राहियों से तुझे सजदा हम और तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही सजदो हम और तारीफ के लायक है। ऐ कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, ना आसमान के ऊपर ना जमीन के नीचे फक सिर्फ एक ही नाम है, वो तेरा जिंदा जलाल खुदा। दुआ करता हूँ डॉक्टर साहब के लिए जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं हमारे लिए, कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। एंड इरम के लिए दुआ करता हूँ, कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। पास्टर तरसीम साहब के लिए दुआ करता हूँ और हमारी वर्शिपर सिदरा वकास साहिबा के लिए दुआ करता हूँ कि आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में इन पर बरकत वाला हाथ हो। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी, जो भटकी हुई भेड़े हैं इनके वसीला से तेरे पास आए। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन, कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। एक एक जान जो है कुदूस मेहरबान जिसने हमें ज्वाइन किया है, कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। उस बहन के लिए जो इंडिया से हमारे साथ ज्वाइन किया था जिसने, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी। मैं कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन एक दफा फिर आज के दिन के लिए नहायत ही शुक्र गुजार हूँ तेरे मीठे कलाम के लिए जो डॉक्टर साहब ने हमें सुनाया। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन डॉक्टर साहब की सेहत के लिए दुआ करता हूँ कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, उनका कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। उनका दिल तेरे कब्जे में हो कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी। तमाम चीजें नॉर्मल हो कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी। उनको लंबी उम्र अनायत कर कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी, ताकि इसी तरह जो दिल में दर्द उन्होंने लिया है कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी, वो दर्द जो कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी इनके दिल में है, वो हमारे लिए कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन इसी तरह हर हफ्ते, हर महीने और हर दिन हमारे लिए दुआ करते रहे, हर रोज वो हमें कलाम शेयर करें। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी, ऐ खुदावन अपने इस बंदा को शोला की मानद बना दे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी, ऐ कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। बैठी एक एक जिस्म जान के लिए दुआ करता हूँ कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन। जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाए यीशु मसीह तेरे नाम से। घरों में जो मसले मसाइल है दूर हों, बाहर जो ऑफिशियल प्रॉब्लम्स है वो दूर हों कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी। एक दफा फिर दुआ करता हूँ तेरा बंदा के लिए कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन जी, इस दर्द रखता है और आगे आने वाले महीनों में, सालों में हमारे जो ग्रुप जो है 10-15 लोगों का नहीं बल्कि हजारों लोग हमें ज्वाइन कर सके, हजारों जो कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, हजारों लाखों जो जिंदगियां हैं बच सके। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा जी, इस दुआ को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा मसीह के वसीले से मांग कर पा लेता हूँ। आमीन। आइए हम खुदा के सिखाए हुए दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर